नाइजीरिया के मैदुगुरी शहर में 3 बसों की टक्कर, बसों की टक्कर में 37 लोगों की मौत की खबर, कई लोग घायल। सऊदी सरकार ने दी ड्रग और रेप आरोपियों को मौत की सजा, 10 दिन में 12 लोगों को दी खौफनाक सजा, तलवार से आरोपियों के सिर किए गए कलम। इसराइल की राजधानी यरूशलेम में बम धमाका, 2 धमाकों से दहला यरूशलेम, 1 की मौत, करीब 18 लोग घायल। अमेरिका के वर्जीनिया वॉलमार्ट स्टोर में गोलीबारी, कई लोगों के मारे जाने की आशंका। चीन में दुनिया की सबसे बड़ी एप्पल फैक्ट्री में संघर्ष, फैक्ट्री में कठोर पाबंदी और वेतन विवाद को लेकर भड़के श्रमिक। कंबोडिया में बोले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया विघटनकारी राजनीति की ओर बढ़ रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बोला पूर्व पीएम इमरान पर हमला, कहा क्रिकेट से मिले स्वर्ण पदक को बेच रहा, क्रिकेट मैच प्रदर्शन के लिए इमरान को मिले थे स्वर्ण पदक। तुर्की में भूकंप के तेज झटके से 22 लोग घायल, भूकंप के झटके से लोग दहशत में, रिक्टर पैमाने पर 6 मापी गई तीव्रता। गुजरात में पीएम मोदी की चुनावी ललकार, कांग्रेस पर पीएम मोदी ने साधा निशाना, कहा इन्होंने पूरे देश को बर्बाद किया। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की हुई एंट्री, अगले 12 दिनों में एमपी में रहेंगे राहुल, 5 लोकसभा 25 विधानसभा को करेंगे कवर। अयोध्या में राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का बयान, राम जन्मभूमि परिसर को 108 एकड़ बढ़ाया जाएगा, मंदिर के परकोटे को भी 8 एकड़ बढ़ाया जाएगा। यूक्रेन की राजधानी कीव में फिर से हमले, हमलों में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को पहुंचा नुकसान, यूक्रेन में हवाई हमलों की चेतावनी जारी। दिल्ली एम्स का सर्वर 9 घंटे रहा डाउन, एम्स का सर्वर हैक किए जाने की आशंका, यहां राष्ट्रपति पीएम और मंत्रियों का रहता है हेल्थ डेटा सेव। एमपी के बैतूल में ट्रेन में लगी आग, आउटर पर खड़ी ट्रेन में लगी आग, बैतूल से छिंदवाड़ा जाने वाली ट्रेन में आग लगी। पंजाब के अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग को धमकी, राजा वंडिंग को मिली जान से मारने की धमकी, सोशल मीडिया के जरिए मिली धमकी। फीफा विश्व कप में मोरक्को क्रोएशिया के बीच मैच ड्रॉ, पहला मैच नहीं जीत सकी दोनों टीम, दोनों को मिला 1-1 पॉइंट। T20 रैंकिंग में सूर्या नंबर 1 पर कायम, ताजा रैंकिंग में 890 पॉइंट्स, पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान दूसरे स्थान पर, विराट को 2 स्थानों का नुकसान। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मैच 25 नवंबर से, सीरीज से पहले बोले कप्तान शिखर धवन, कप्तान के रूप में अब मैं ज्यादा ही परिपक्व। न्यूजीलैंड के बाद बांग्लादेश से क्रिकेट खेलेगा भारत, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं होंगे जडेजा, शहबाज अहमद को मिल सकता है मौका। वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस का विजय आगाज, फुटबॉल वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराया, ओलिवर गिरोज ने डबल गोल किए।